बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये मैं आपके साथ अपना वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये हम लोग जा रहे हैं अज़ीज़ मॉल, वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए फिर हम लोग वीकेंड पर अज़ीज़ मॉल चले गए थे। ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, काफ़ी यानी कि 2 मिनट की ड्राइव पर ये मॉल है हमारे घर के पास, और यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। तो ज़्यादा अगर कहीं और ना जाना हो बच्चों को, तो फिर हम लोग इधर ही आ जाते हैं आराम से। घर के नज़दीक बंदा मॉल में घूम फिर भी लेता है, और ज़रूरत की चीज़ें भी बंदा ले लेता है। तो अब ये हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे पहले, और फिर अंदर जाएंगे हम लोग। तो असल में मुझे जो है वो फेसेस पे सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से कुछ परफ्यूम्स चेक करने थे, तो उसके लिए मैं गई थी। पहले सबसे पहले फेसेस पे गई थी। तो ये फिर रास्ते में जो है ये बच्चे हर दुकान में घुसते हैं। आयशा और सिद्रा को आदत है कि यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, तो ये रास्ते में जो है ये जा के देखती रहती हैं चीज़ें। तो ये सबसे पहले सिद्रा को ये मूनसून नज़र आ गया, तो ये यहाँ पर चली गई थी। ये बच्चों के कपड़ों की और ज्वेलरी वगैरह की दुकान है। तो जब सिद्रा का बर्थडे था, तो उस वक्त हम लोगों ने बड़ा ढूंढा इसके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस, लेकिन उस वक्त इनके पास कोई अच्छी वैरायटी नहीं थी। और अब इतने ज़बरदस्त ड्रेसेस आए हुए थे सिद्रा के साइज़ के देख के हैरत हुई कि उस वक्त नहीं मिल रहा था कुछ भी, और अब इतनी अच्छी अच्छी फ़्रॉक्स आई हुई हैं। ये वाली फ़्रॉक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसमें सिद्रा का साइज़ भी मिल रहा था, लेकिन ये उस वक्त हमें नहीं मिली। ये फिर उसके बाद ये नाइट सूट्स की शॉप है, उसमें जाना था आयशा ने, तो ये नाइट सूट वगैरह उसके लिए देख रही थी वो। यहाँ से बहुत अच्छे नरम मुलायम कपड़े के नाइट सूट मिल जाते हैं बंदे को। फिर उसके बाद हम लोग फेसेस आ गए थे। यहाँ से मैंने जो परफ्यूम चेक करने थे माइकल कॉर्स के, वो इनके पास थे ही नहीं, उनके सैम्पल्स ही नहीं थे इनके पास। तो वो फिर मैंने एक और परफ्यूम शॉप से चेक कर लिए थे, और मैंने अपने अबाया पे लगवा भी लिए थे कि जब ये सेटल हो जाएगी खुशबू तो घर जाके फिर मैं देख लूँगी, लेकिन वो घर आने तक ख़त्म हो गई खुशबू बिल्कुल। तो वो फिर मैंने मंगवाया ही नहीं, कि क्या फ़ायदा ऐसे परफ्यूम का जिसकी खुशबू ही नहीं ठहरती। स्टिंग पावर बहुत कम है माइकल कॉर्स के परफ्यूम्स की, इसीलिए वो लोग अक्सर सेल पर लगाए रखते हैं, क्योंकि हाफ़ प्राइस में भी नुकसान है, फुल प्राइस पर तो कौन लेता होगा। तो ये बाकी भी काफ़ी सारे चीज़ें मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे परफ्यूम्स चेक किए थे, और अच्छे भी लगते हैं बंदे को, लेकिन उस दिन कुछ नहीं लिया मैंने। और मैं वैसे भी ऑनलाइन मंगवाती हूँ परफ्यूम्स, क्योंकि ऑनलाइन बंदे को काफ़ी जो है वो फ़ायदा हो जाता है, फ्री सैम्पल्स भी मिल जाते हैं और डिस्काउंट भी मिल जाता है, कोड वगैरह लगा कर अच्छे खासे डिस्काउंट पर चीज़ मिल जाती है। स्टोर से लें तो फिर फुल प्राइस ही पे करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं स्टोर से जा कर चेक कर लेती हूँ, और फिर घर जाके जो है कोई चीज़ अच्छी लगे तो फिर वो ऑर्डर कर देती हूँ। फिर हम लोग ऊपर चले गए थे, वहाँ से अब फिर रास्ते में ये एक शॉप में घुस गई हैं दोनों, आयशा और सिद्रा। ये बैग्स और शूज़ की शॉप है, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे देख के, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑरेंज बेड एंड बाथ में। यहाँ से मुझे सिद्रा के लिए लेना था ब्लैंकेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें मिला नहीं। वैसे तो इनके पास हर वक्त हर चीज़ की वैरायटी पड़ी होती है, लेकिन जब कुछ लेना हो बंदे को, कुछ चाहिए हो, तो वो फिर उस वक्त नहीं मिलता। ये हमने रेड सी मॉल की शॉप में देखा था, ये ऑरेंज बेड एंड बाथ की, वहाँ पे था वो ब्लैंकेट, लेकिन यहाँ पे नहीं था। ये अब है बिल्कुल सेम, ऐसा ही ब्लैंकेट चाहिए मुझे जैसा ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है, वो इससे डबल है, वो मोटा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सर्दियों में भी एसी चलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा था कि सिद्रा के लिए अभी ब्लैंकेट लेके रख लेती हूँ, लेकिन मिला नहीं। फिर तो ये चक्कर लगा के ये लोग घूम फिर के और फिर बाहर निकल गए थे। ये सिद्रा को कंफर्टर पसंद आ गया, एक मुझे ये लेकर दो, लेकिन मैंने तो नहीं लेके दिया फिर वो। और फिर उसके बाद फिर ये एक शॉप में मुझे ये रेड वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग गया था, और ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि ये ले लें। इसमें साइजेस भी थे, लेकिन ये एक ड्रेस इतना एक्सपेंसिव था कि पाकिस्तानी एम्ब्रॉयडरी वाले 3-4 बंदा ले ले, तो फिर क्या फ़ायदा।
ऐसी चीज़ लेने का जो हम लोग घर पे आम पहनते भी नहीं हैं। तो वैसे ही फिर चक्कर लगा के घूम फिर के तो ये लोग हसबे मामूल फिर मिनीसो में चले गए थे, वहाँ से इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी और बस बाकी तो फिर कुछ नहीं मिला। ये सिद्रा को जहाँ जाती है कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। फिर ये मिनीसो जैसे जो इन्होंने दो तीन चीज़ें ली थी वो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये एक योगा मैट लिया है मेरी बड़ी बेटी ने, इन दोनों को आजकल शौक हुआ है साथ में एक्सरसाइज करने का। और ये एक उसने सिरामिक का मग लिया है ऐसे ही डेकोरेशन के लिए। योगा मैट्स यहाँ से अच्छी मिल जाती हैं, सिद्रा ने भी पहले ली थी तो इसलिए फिर आयशा ने भी ले ली। और ये थोड़ी सी चीज़ें फिर सिद्रा ने ली हैं, ये शार्पनर और इरेजर दोनों चीज़ें हैं इसमें, छोटी सी क्यूट सी पेंगुइन बनी हुई है। चीज़ें बहुत प्यारी मिलती हैं मिनीसो से, लेकिन फिर भी ये सिद्रा जो है ना ये बहुत लेती है। और ये कटलरी का सेट है छोटा सा, और ये की चेन बैग के साथ लगाने के लिए और कॉइन्स वगैरह डालने के लिए उसने लिया है। ऐसे ही बस ये जाके उधर ना कुछ लेके आ जाती है। और ये भी की चेन है, ये भी उसने बैग के साथ लगाने हैं, अभी तक तो नहीं लगाए, शायद कभी लगा ले। और ये नेल पॉलिश नेल्स क्या है ये, एक फोकस नहीं कर रहा कैमरा, नेल हीदर। अब बच्चों के नेल कहाँ पे ख़राब होते हैं, लेकिन फिर भी उसने ये ले लिया। बस यही चार पांच चीज़ें ली हैं उसने। ये भी मैंने उसको बड़ा कंट्रोल किया है, वरना मिनीसो में घुस जाती है तो फिर वहाँ से निकलती नहीं है। और अब ये लोग ये आईकिया का चेस्ट ऑफ ड्रॉयर है, रात के टाइम पे उसको ये लोग जोड़ने के लिए बैठ गए। ये आईकिया वाले जो हैं ये एक एक पुर्जा अलग करके डब्बे में डाल के बंदे को दे देते हैं कि आराम से बैठ के जोड़ते रहो। तो ये लोग 9 बजे तकरीबन शुरू हुए थे इसको असेंबल करने में और रात के 3 बजे ये कम्प्लीट हुआ था। काफ़ी बड़ी चेस्ट ऑफ ड्रॉयर है और बहुत चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ये जब मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी, अभी तो ये लोग इसको असेंबल करने में लगे हुए हैं। ये सिद्रा अब्दुल्ला और मेरे हस्बैंड तीनों ने मिलकर इसको असेंबल किया था, फिर भी इनको 5-6 घंटे लग गए थे। बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं इन चीज़ों को, जब भी इस तरह की कोई चीज़ जो है उसको असेंबल करना हो तो ये बड़े शौक से करते हैं। अब ये देखिए इसकी शक्ल निकलनी शुरू हो गई है, ये अभी इसकी एक साइड असेंबल हुई है और ये पूरा अब इसका फ्रेम बन गया है। जब डब्बा खुलता है तो बंदे को समझ नहीं आता कि ये कैसे होगा, लेकिन जब वो जुड़ जाती है चीज़ तो फिर उसकी सही शक्ल निकल के आती है। तो अब ये पीछे प्लाईवुड लगा रहे हैं उसके अलमारी के, और अब ये बस लास्ट काम है उसका, ढांचा पूरा रेडी हो गया, अब ये उसके ड्रॉवर्स जो हैं वो जोड़ रहे हैं। ये फिर मैंने अपने बेडरूम में ही रखी है, यहीं पे फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगी। अब ये देखें ये 6 खानों वाला चेस्ट ऑफ ड्रॉयर बन गया है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।